अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं SFMT की एप्लीकेशन, सर फील्ड मास्टाइटिस टेस्ट। इसको कैसे करना है, अप्लाई करना है और ये कैसे हमें क्या फ़ायदा देता है। सर फील्ड मास्टाइटिस टेस्ट जो है वो हमारे डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जिन्होंने इन्वाइट किया था। इसकी एप्लीकेशन ये है कि इसकी वजह से हमें क्लिनिकल एज वेल एज सब क्लिनिकल मास्टाइटिस डायग्नोज हो जाती है। आइए हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। हमारे पास मिल्क सैंपल है, एक इफेक्टिव मिल्क सैंपल, साथ हमारे पास ये सर्फ टेस्ट जो है ये सर्फ का सॉल्यूशन है। इसके अंदर 3% सर्फ का सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है वाटर के अंदर। सबसे पहले हमने एक मिल्क यानी कि राइट अडर वाली साइड का मिल्क सैंपल लिया, वो डाल दिया। अब हमने लेफ्ट साइड वाले का अडर का सैंपल लिया, वो डाल। अब हमने लेफ्ट रियर और अब हमने राइट रियर, ये हमारे पास मिल्क सैंपल आ गए। अब इक्वल अमाउंट में मिल्क और इक्वल अमाउंट में हमने सर्फ सॉल्यूशन डालना है इसमें। ये हमारे पास बफलो मिल्क है, आप इनको मिक्स करने के लिए हम दो डिफरेंट स्लाइड्स लेंगे। एक स्लाइड के एक ऐसे हम एक को सिर्फ डिसॉल्व करेंगे। अब हम वो स्लाइड का साइड चेंज करके दूसरे वाले को, कोशिश ये करनी है कि आपने एक मिक्सर को दूसरे वाले में इन्वॉल्व नहीं करना, इसको डिस्कार्ड कर दें। नेक्स्ट स्लाइड उससे एक को मिक्स करें, इसको चेंज करके साइड चेंज करके इस दूसरे वाले को मिक्स कर दें। अब रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन, अगर ये हमारे अंदर इसके अंदर सैंपल के अंदर फ्लूक्स बन जाए, जेल कंसिस्टेंसी बन जाए, तो उसका मतलब है कि हमारा जो सैंपल है वो पॉजिटिव है, वो मास्टाइटिस के लिए पॉजिटिव है। इसमें आप चेक करेंगे कि आपको जेल फॉर्मेशन फील हो रही है, ठीक है। इस वाले में भी चेक करेंगे तो इसमें भी उससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो इससे हमें रिज़ल्ट से क्लियर हो गया कि जो हमारे पास एनिमल है उसके चारों अडर में इन्फेक्शन आ चुकी है। बेशक अगर उसका एक अडर ज़्यादा इन्फेक्टेड हो क्रॉनिकली, लेकिन उसके बाकी तीनों अडर जो है वो भी सब क्लिनिकली इन्फेक्टेड है। थैंक यू।